जो पठान मेरी जान तेरे गुर्दे काट दूं। गाना खराब की खुशबू तेरे चले का कीचड़। ओए ये क्या था? हो गया आपको लगाते हुए 30 साल हो गए। अंकल की जो सब्जी है ना वो बड़ी मजे की होती है जी। हम जब बहुत छोटे थे तब भी खाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे जी। हुई है ज़्यादा सारी बारिश, यहाँ तो नज़र नहीं आ रही, रोड पे नज़र आएगी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम गाड़ी निकालें और बाहर ज़रा आउटिंग करके आते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और आप भी रेनी सीज़न में क्या करते हैं? हम लोगों ने सोचा है कुछ बारबेक्यू का, क्योंकि हम अभी जब घर आए हैं ना वापस, तो हमें बड़ी अच्छी सी बारबेक्यू की खुशबुएँ आ रही थी। तो और जैसे ही बारिश हुई है ना, पूरा मंडी शहर जो है ना वो बाहर घूमने निकल चुका है। अभी आपको दिखाते हैं। और उकाशा शारिक भी जो है ना वो फुल मस्ती के मूड में है। हम जा रहे हैं टिक्की खाने। नहीं हाँ। किसी के घर नहीं, किसी के घर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अंकल मुच्छड़ की सब्जी खाने। वो पापा के एक अंकल मुच्छड़ है, उनकी सब्जी खाना है। उनकी शॉप का हमें नाम नहीं आता, बस हमने उनका नाम रखा हुआ अंकल मुच्छड़ की सब्जी। जब हम छोटे थे ना तो भी वहीं से सब्जी खाते थे। पहले उन अंकल की शॉप थी मॉडर्न खुस्सा के पास, और अभी क्या नाम था, सिटी टॉप होटल। हाँ, सिटी टॉप होटल के बाहर वो लगाया करते थे सब्जी। फिर उन्होंने अपना एक जो है ना बना लिया है प्लेस अपनी स्पेशल, और वो हाँ वहाँ पे वो जो है ना सब्जी लगाते हैं। इतना देखें जी कितना पानी है ये। अब मेन रोड पे जब हम चढ़ेंगे ना, तो मेन रोड पे इतना पानी था फिर भी इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे सैर करने। जैसे ही बारिश हुई ना, मुझे लगा पूरा सिटी बाहर आ गया, पूरा सिटी जो है ना वो बाहर निकला है कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो बस हम लोग ने भी सोचा कि आज का जो डिनर है ना वो हम कर लेते हैं बाहर। वैसे तो हम जो है ना आजकल लाइटिंग पे है, तो फिर हम लोग कुछ भी जो है ना फास्ट फूड नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, तो सब्जी खा लेंगे, वो फ्राई नहीं होती। और हम लोगों ने कोई मील नहीं लिया हुआ, तो फिर वही हमारा जो है ना लास्ट मील होगा, सेकेंड लास्ट। अब क्या सेकेंड एंड लास्ट, नॉट सेकेंड लास्ट। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ भी बैग शैग लेके जा रही हैं, सामने से नज़र आ रही होंगी आपको। ये देखिए इतनी बारिश हो रही है ना, और ये साफ हो गया मिरर, और ये अब हमें नजर आएंगी। ये देखिए जी, कलम रोड बनाया है इन्होंने, इस कॉर्नर में इन्होंने पेन जो है वो बना दिया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जनाब कॉलेज रोड, और कॉलेज रोड पे ये वाला वुमेन डिग्री कॉलेज होता था, यहाँ पे मैं पढ़ने आया करती थी। और ये वाला गेट तो कम कम यूज़ करते हैं ये लोग, जो दूसरे वाला मेन गेट है वो यूज़ होता है। ले जी हम आ चुके हैं दरे में, और इतना ज़्यादा पानी है ये, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। नहीं गाड़ी नहीं बंद होगी अभी, मतलब एक घंटा भी बारिश नहीं हुई, हाफ एन आवर बारिश हुई है, और इतना ज़्यादा पानी है। ये जनाब मेन एंट्रेंस है, उसके बाद यहाँ मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं कुछ, और फोटोकॉपी की एक शॉप है जो कि कॉलेज के साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। और यहाँ पे है हॉस्पिटल, और उसके बाद चंद कदमों के फासले पर है जनाब स्कूल। ये लिखा हुआ ना आगे स्कूल है, तो ये है जनाब मेन स्कूल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। ये यहाँ पे ये हाई स्कूल है। नीचे नज़र नहीं आ रहा अंधेरे में, कैसे दिखा रहे हो नीचे आप? तो ये हाई स्कूल है जनाब। ये इसकी वॉल्स देखें, कलरफुल सी करवाई हैं, अभी अभी न्यू पेंट करवाया है इन लोगों ने। यहाँ से देखें और इतना ज़्यादा पानी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, इतना ही पानी होता था, बल्कि इससे भी ज़्यादा फुटपाथ के ऊपर होता था पानी। जब बारिश होती थी ना, तो हमें समझ नहीं आती थी हम घर कैसे जाएं। तो हम लोग रक्षा लेते थे, और उस टाइम में ना हम लोग 2-2 रुपये शायद ऐड करते थे, तो 10 लड़कियाँ हम 10 रुपये में घर चले जाते थे। और आज के दौर में कितनी महंगाई हो चुकी है, तो इस महंगाई के ज़माने में अब लड़कियाँ कैसे घर जाती होंगी? अब मेरे ख्याल उन्हें पिक करने आ जाते होंगे, हम लोग तो खुद ही जाया करते थे। अच्छा जी, ये छोटी सी पानी में साइकिल चला रहे हैं, आपको आया नज़र? ये एक मिल्क शेक शॉप है जनाब यहाँ पे, और ये सारी फ्लावर शॉप्स है, अभी बंद है यहाँ पे। ये जो मेन फ्लावर शॉप है ना यहाँ पे, अभी सारी बंद है, एक ही ओपन है। तो दुकान है हाँ, ये
ये कॉलेजेस ऑफ नर्स है यहाँ पे, ये मेन रोड है हमारे मंडी महोदयन का, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के कॉलेजेस और स्कूल मिलेंगे। और ये एक ड्रेस लैंड जो है ना वो खुली हुई है बस, शॉप अगर कोई रात को किसी को इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो तो यही मिलेगा। अभी रात के में हम 9:30 बजे का टाइम है और सिटी ऑलमोस्ट बंद है, सिर्फ खाने पीने की दुकानें खुली हुई हैं। और ये है जनाब शवरमा कैंडी शॉप, पहले ये कैंडी शॉप ना हाई स्कूल के सामने हुआ करती थी, अभी ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। और ये है जनाब प्राइवेट हॉस्पिटल वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक तरफ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरी तरफ है प्राइवेट हॉस्पिटल, आमने सामने ही है सब। नो जी हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं अंकल मुच्छड़ की सब्जी वाली दुकान पर, और प्लीज़ कैसी दुआएँ कर रहे हैं आप लोग कि प्लीज़ अंकल मुच्छड़ जो है वो चले ना गए हो, ऐसे मौसम में चले ना जाना घर। कासम साहब को इतनी बेचैनी है कि वो गाड़ी से बाहर मुंह निकाल निकाल के देख रहे हैं कि वो है या नहीं है। मिल गया, वाह वाह जी अंकल मुच्छड़, आप जी हो हजारों साल यार मेरे यार। सलाम वालेकुम जी, अंकल जी एक लाना कितनी देर, भी है। 10 मिनट मैं एक पेट्रोल पुआ के आया फिर। यहाँ पे हमने दे दिया है जी, अंकल मुच्छड़ थे और हम लोगों ने जनाब सब्जी का ऑर्डर दे दिया है, उन्होंने कहा 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में हमारे जो है ना वो पूरी कंप्लीट सब्जी वो लगा देंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने, तो साथ में हम पेट्रोल भी डलवा लेते हैं, जब भी हम गाड़ी बाहर निकालते हैं ना हम इसकी पेट्रोल की टैंकी को हवा लगवा लेते हैं कि साथ साथ हमारे साथ साथ उसको भी हवा लग जाए। तो यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट ओपन हैं और मज़े मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, इस मौसम में जब मज़े की खुशबू आती है ना तो फिर डाइटिंग जो होती है ना वो नहीं कर सकता इंसान, लेकिन हम लोगों ने अपनी डाइटिंग इस मौसम में, उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा दिल करे तो आपने जो है ना फ्राई नहीं खाना। हाँ। और आपने उन्हें बताया नहीं कि हम फूडी हैं, हमारा तो मैंने उन्होंने कहा था या तो फूडी देख लो अपने आप को या फिर जो है ना अपना वैसे देख लो, तो आपने उन्हें बताना था ना, उन्होंने कहा जी बाकी सारा कुछ आपके हाथ में है। हाँ। ये जी ये वाला पेट्रोल पंप बंद होता है इसलिए हम इधर रोड, हाँ पानी बहुत ज्यादा होगा। अच्छा ये जो है ना ये हिजामा के निशान है जी, हिजामा करवाया है कासम साहब ने और उसके बाद से उन्हें डाइटिंग जो है ना वो उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है ताकि वो 26 साल के हो जाए, 26 साल के होना चाहते हैं, पतले होना चाहते हैं इट मीन्स। तो जी हम पहुंच चुके हैं बस पेट्रोल के पास और गाना लगाने की बात हो रही है, स्पीकर ऑन है सारा कुछ ऑन है लेकिन मैं जो है ना वीडियो बना रही हूँ उसमें गाना नहीं लगा सकती क्योंकि जो है ना कॉपीराइट इशू आ जाता है। आप सुनाए जी गाना बच्चों को, झूमे जो पठान, झूमे जो पठान मेरी जान तेरे गुर्दे काट दूं, गाना खराब की खुशबू तेरे चने का कीचड़, ये क्या था पापा ने आपका गाना खराब किया, मुझे तू तेरी आने की खुशबू तेरे जाने का कीचड़, जमाना हुआ अब कीचड़ खाना पड़ेगा। चलो जी बा ओके जी ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी मैं गाना लगा देती हूँ और फिर आपको लेके चलते हैं चाचा मुच्छड़ की सब्जी पे वापस। और ये जी हमारी सब्जी हो गया रेडी और हम आ गए अंकल मुच्छड़ के पास, अंकल मुच्छड़ से आपकी बात करवाते हैं और आपको बताते हैं कि अंकल मुच्छड़ ने आज तक कितने अरसे से सब्जी लगाई हुई है। अंकल जब हम बहुत छोटे होते थे ना आप सिटी टॉप होटल में लगाया करते थे सब्जी, तो हम वहाँ खाने आते थे, तो अभी कितने साल हो गए आपको लगाते हुए, 30 साल हो गए। अंकल की जो सब्जी है ना वो बड़ी मज़े की होती है जी, हम जब बहुत छोटे थे तब भी खाया करते थे। क्या नाम है अंकल की शॉप का जरा देखने दो, अंकल की शॉप का कोई नाम, अंकल ने जनाब ये नाम है काबली चिकन, वो अंकल वो भाई कर रहे हैं, ये ऐसे तोड़ते हैं जनाब, पहले कटिंग करते हैं और फिर उसको मसाला लगाया इन्होंने, समा वालों ने आपका इंटरव्यू लिया है, अंकल कहते हैं जी समा वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया है, उन्होंने फेसबुक पे चढ़ाई है और सारी दुनिया ने देखी है, तो अब अंकल की जो सब्जी है ना वो और भी मशहूर हो जाएगी,
अंकल हम बहुत छोटे थे तब खाते थे और अभी तक खाते हैं, बड़े बड़े हो गए हमारे बच्चे अब छोटे छोटे हैं। कितने पैसे जा चुके? वो सजी खा गया, हर साल बाद आया, उसी वजह सजी भी 100 रुपए सजी कितने भी मैं 500 रुपया उसकी मैं भी हाँ जी अंकल 300 रुपए की 350 की तो हमने भी खाई है छोटे होते। चलिए जी शुक्रिया बहुत, शुक्रिया बहुत बहुत अंकल। मेरी जूती में पानी चला गया है, हाँ बस ये एक रह गई है, खत्म हो गया। कितनी लगाते हैं अंकल आप रोज की? 30 लगाए थे आज, तो एक रह गई है जनाब, 30 लगाए थे जी। आज की वीडियो हमारी इतनी थी, आपको मैंने सब्जी दिखा दी है कैसी है, तो अभी हम लोग जनाब बैठेंगे और घर जाएंगे और खाएंगे आराम से अपनी सब्जी। वहाँ पे तो जो है ना खाने की जगह नहीं थी, तो हम लोग आ गए हैं घर, तो रायता देखें अंकल का रायता जो है ना, वो अंकल कहते हैं जी मेरा रायता लोहे वर्गा है, तो वाकई लोहे वर्गा है, इतना गाढ़ा रायता आज तक बारबेक्यू की किसी शॉप में नहीं देखा होगा आपने। तो अभी मैंने रायता जो है वो निकाल लिया और खोले जी, आए जी आए सब्जी खोल के दिखाएं। ये देखें जी, ये वाले पेपर पर उन्होंने रैप करके दिया है, बिल्कुल गर्म है, चिकन लेटी हुई है पता है, ये इसको कहते हैं चिकन लेटी हुई, चिकन सब्जी। ये वाओ, सो ये तो घर लग रही है, कितने अच्छे तरीके से ग्रिल हुई हुई है, ये तो घर का मुंह लग रहा है, हर चीज अच्छे से, कितने अच्छे से ग्रिल हुई हुई है देखो जी, बहुत अच्छे तरीके से ग्रिल हुई हुई है। शारिक तो लैग खाने लगा है उसकी, बस शारिक ऐसे नहीं करते पापा, देते हैं इधर से शुरू करो, इधर से खाना शुरू करो, यहाँ से ये लोकाशा, ये लोकाशा खाओ, खा के चेक करके बताओ कैसी है, कैसी चेक है? करो आप बताओ काशा कैसी है बेटे, हाथ कौन सा, बिस्मिल्लाह भी दोनों, बिस्मिल्लाह सुपर लग रही है, क्या कहना चाहोगे आप, ऐसा लग रहा है, क्या हो रहा है, डाइटिंग जिंदाबाद, नो कोक, देखा हम कोक नहीं लाए, ये पानी रखा है शारिक ने सबके लिए, नेचुरल नेचुरल पे रहना, हमने हमने कोक नहीं पीनी, ठीक है, और सब खाने के बाद नहीं, चलो मतलब थोड़ा टेस्ट कर लो फिर पीना, ये कहने का मतलब है मेरा, क्यों हो गया, चलो जी पी लो, बिस्मिल्लाह वाला बरकतीला पड़ी काशा आपने, तो ये मैं यहाँ से खाऊंगी, ये देखो जी ईच एंड एवरी थिंग ना जी चाचू ने, बिल्कुल ये देखें हड्डी के अंदर जरा भी निशान नहीं है, जो है ना वो ब्रांड्स में जाएं हम अक्सर उनमें यहाँ पे खून होता है, और वो ये कह रहे होते हैं जी अंदर से कैसे पकाएं, फीलिंग की भी हाँ, लेकिन ये हमारे चाचू, लव यू चाचू, ये पापा के पास लव यू और सज्जी चाचू, नो टमाटो केचप, ईच एंड एवरी थिंग नेचुरल, डाइटिंग इज गो ऑन, डाइटिंग जिंदाबाद, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अब हम खा रहे हैं जी सब्जी, तो अगर आपका भी दिल कर रहा है तो आप भी लाएं और खा सकते हैं, नो डाउट के बहुत मज़े की है। दुआ में याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय, से बाय शारिक, बाए।